सकता हूँ, मैं प्रधानमंत्री से पहली बार मिला था। अच्छा, अभी जब वो रैली में आए, उस मंच पर मैं पहली बार उनसे मिला और उन्होंने मुझसे हैंडशेक किया, जो हैंडशेक बहुत स्ट्रॉन्ग वार्म और इट वॉज फुल ऑफ इमोशन काइंड ऑफ थिंग, यू नो। अच्छा, और उन्होंने एक ही मुझसे शब्द कहा, स्वागत है। तो मेरी इतनी ही उनसे बातचीत हुई है, और जाते वक्त वो फिर ये इतना सा एक सेंटेंस फिर कह के गए, खूब काम करो। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी से आपकी मुलाकात हुई है? अरुण जी, उनसे पहले भी दो तीन बार हुई। हाँ, जब कभी लखनऊ जाना होता, कभी कभी होता है ना, किसी व्यक्ति से मिलने का मन करता है, कोई काम नहीं होता उनसे, ऐसा जरूरी अच्छा नहीं। अच्छा, आपका आप योगी आदित्यनाथ जी से मुखातिब या फिर मिलने का मन आपका रहा पहले भी, जब आपको नहीं पता था कि राजनीति में आप आएंगे, या ये राजनीतिक मुलाकात थी? नहीं, मैंने वही बताया, मुझे कोई काम नहीं था, दो तीन बार उनसे मिला हूँ लखनऊ में, और कभी मन कर, मैंने एज आई सेड इट, मन करता है कभी कि किसी व्यक्ति से मिला जाए, तो उनसे मिल पाए हम, तो मैं उनसे मिला दो तीन बार। राजनीति कुछ नहीं था तब तक, मेरा खुद का भी नहीं पता था कि मैं राजनीति में जाऊं। तो उन्होंने कहा कि आप आइए राजनीति में, ये शुरुआत कहाँ से हुई? नहीं, ऐसा नहीं था, मैं बताऊँ आपको, मैं हालांकि मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी 21 में, पर उसके बाद ही मैं एक्टिव नहीं हुआ था कहीं, तो ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे राजनीति में जाना ही है। ये तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हुई, उस दिन अचानक मेरे मन में आया था कि मुझे 1-to-1 हमने रामायण के थ्रू सेवा तो की, पर वो अपरोक्ष रूप से थी, यानी कि आध्यात्मिक सेवा की, संस्कृति की सेवा की, मॉरल्स की सेवा की, सही बात है ना, वो सब किया। पर उस दिन मेरा मन में आया कि 1-to-1 जो है ना, वो एक बार करना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि प्रभु श्री राम को उतारा सियासी पिच पर, तो सामने वाले भी थोड़ा सा नर्वस हो गए, फिर बार बार प्रतिद्वंदी बदले हैं इस मेरठ सीट से समाजवादी पार्टी? नहीं, मुझे नहीं पता उसका क्या कारण रहा होगा उनके, वो उसका कारण वही आपको बता पाएंगे, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। नहीं, आप मॉडेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप आपके नामांकन के बाद, आपके नाम उतारने के बाद वहां पे एक खलबली सी मची थी कि भाई अगर राम खुद आ जाएंगे, और वो भी तब जब प्राण प्रतिष्ठा का एक पूरा जश्न देश भर में था, तो मुश्किल हो जाएगी, आपको लगा ऐसा है? नहीं, मुझे, मैं वही आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप मुझे बार बार वही सवाल पूछेंगे, मैं बार बार आपको वही जवाब दूंगा। मैं उस पर न तो मुझे पता है उस बारे में, और न मैंने पता करने की भी कोशिश नहीं की कि क्या हुआ था वहाँ पर। अभिनेता बनना ज्यादा मुश्किल है या नेता बनना? नहीं, दोनों के अपने अपने वो हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दोनों के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, और मेहनत दोनों जगह है। एंट्री लेना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, और उसके बाद काम करना, दोनों में काम करना पड़ता है, दोनों में बहुत मेहनत 100% देना पड़ता है अगर आपको ऊपर पहुंचना है तो। यहाँ पर बहुत से लोग, आप क्योंकि मेरठ में पैदा हुए हैं, यहीं पर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग आपको यहाँ बाहरी क्यों कह रहे हैं? मुझे पता नहीं, वो उनका प्रॉब्लम है, क्यों बाहरी कह रहे हैं। आई वाज बोर्न हियर, आई वाज ब्रॉट अप हियर। हां, यही मैंने कहा, आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 21 इयर्स ऑफ माय लाइफ इन मेरठ। अगर उसके बाद भी मैं बाहर का हूँ तो भाई वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम। अरुण जी, कोई हार पहना रहा है, कोई फूल बरसा रहा है, कोई मुझे लग रहा है कि नतमस्तक है आशीर्वाद देने के लिए। सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, सब लोग प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत ही पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर जब आप आए हैं तो लोगों के बीच, लोग मैं दूर से देख रही हूँ, मांग रहे हैं कि प्रभु राम हमें आशीर्वाद दे जाए, बाकी कोई वादा नहीं चाहते आपसे बतौर नेता? नहीं, इस समय उनकी कोई डिमांड नहीं है मेरे से, क्योंकि कोई, और वैसे भी कोई कन्वर्सेशन तो हो नहीं पा रहा है, इसका कोई कन्वर्सेशन भी नहीं हो पा रहा है। एक बात जरूर लगती है कि उनको यह अच्छा लग रहा है कि अरुण गोविल यहाँ प्रत्याशी बनकर आ गए, ये है। अरुण गोविल की सभाओं में बड़ी संख्या में महिलाएं भी आ रही हैं, यहाँ पे अरुण गोविल जी आए हैं या राम आए?
यहाँ पे तो राम आए हैं और जो मैं बोल रही हूँ मेरा नाम दीपिका है। अरे वाह, तो आपने पहले ही जोड़ी बिठाई है। जी बिल्कुल, और बहुत खुश हैं हम। सबसे ज्यादा तो ये खुशी है कि राम जी आए हैं, उसके बाद वो एज अ प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हुए हैं और वो जरूर जीतेंगे, हमारा वोट उन्हीं को जाएगा। अच्छा, ये चुनाव है लेकिन चुनाव में इतनी लोकप्रियता उनकी क्योंकि वो राम है, तो आप लोग आशीर्वाद लेने आए हैं या अपने अपना वोट देने के लिए उनको प्रतिबद्धता? नहीं, कमल से तो खड़े हुए हैं, हम शुरू से कमल को देते हैं। और दूसरी बात, वो राम जी की भूमिका हमारे अंदर बसी हुई है उनकी। अच्छा। और अच्छे इंसान भी हैं, तो हमारा वोट तो उन्हीं को जाएगा। अच्छा, मिले हैं आप लोग? आप सभाओं में जब जाती हैं, ये बताइए कि आप मेरठ में पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और मेरठ से लड़ रहे हैं, तो मेरठ की जनता का संदेश क्या उनके लिए? मेरठ की जनता का यही संदेश है कि हमारे बचपन से लेके हमारे मन में जो राम बसे थे उनकी छवि वही है और वो यहाँ से जीत के जाएंगे। जो लोग वोट नहीं भी देते थे वो भी पहली बार वोट देंगे। अच्छा, ये बड़ी बात है। उन्होंने अपील करी है जो है सबको वोट देना है, अपना कीमती और सबको फूल पे ही देना है और हम देंगे। अच्छा, तो ये जो एक आप लोग ऐसा लग रहा है कि एक साथ मिलकर सब लोग इस सभा में आए, ये बताइए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, तो अरुण गोविल जी भी आपको वैसे ही लगते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम? यस, बिल्कुल उन्हीं की छवि लगती है, जैसे बिल्कुल साक्षात भगवान के दर्शन। घर में क्या चर्चाएं होती है इस बार के मेरठ से चुनाव लड़ रहे? बस यही जीतेंगे और कुछ है ही नहीं, बीजेपी, अरुण गोविल जी, राम जी, बाकी प्रत्याशी कुछ वो है ही नहीं, हम देखते ही नहीं उन्हें। हम जो एक कमल है भाजपा, उसके मुकाबले कोई और है वो नहीं। मेरठ की जनता के बीच पहुंचे हैं, उनसे पूछते हैं कि चुनाव में यहाँ पर इस बार कौन नजर आ रहा है? यहाँ पे तो अरुण गोविल जी, श्री राम जी आएंगे 100%, कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। अच्छा, जहाँ जाते हैं प्रत्याशी हैं, बिल्कुल हर तरह से बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और सबका जाना पहचाना चेहरा है और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है और वो अच्छा काम करेंगे बहुत। जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पर अरुण गोविल के साथ श्री राम भी लगा रहे हैं लोग। जय श्री राम। लोग कह रहे हैं कि राम जी आ रहे हैं, अरुण गोविल आ रहे हैं। जी बिल्कुल आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से 400 पार इस बार जो मोदी जी आएंगे 400 सीट पार करके आएंगे बिल्कुल, और हमारी धरा को पावन करेंगे श्री राम। हमें इस बात की बहुत उत्सुकता है। आप लोग वहां उन्हें अपने प्रत्याशी के वादे सुनने जा रही हैं या फिर आशीर्वाद लेने जा रहे हैं? नहीं, दोनों ही काम करने जा रहे हैं जी, लेने भी जा रहे हैं और उनसे मिलने भी जा रहे हैं। भगवान राम का चरित्र चित्रण किया है, रामायण में राम का रोल किया है, हम उन्हें उसी स्वरूप से देखते हैं कि हमारे श्री राम आ रहे हैं और हमारा उद्धार करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के जिताएंगे। हाँ जी, कौन और प्रत्याशी है यहाँ मेरठ से? मेरठ से और कौन है? मेरठ से और कौन है अरुण गोविल? हाँ, हम देखने जा रहे हैं, कमल के फूल को जिताएंगे, श्री राम जी को देखेंगे, मोदी की जय जयकार होगी पूरे देश। अच्छा, सीरियल में धारावाहिक में देखा उन्हें? हाँ जी देखा है, देखा है। अच्छा, अब भी देखते हैं, उनका राजतिलक उसमें हुआ वैसे ही मेरठ से हो, भारी मतों से विजयी हो। जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी। जय श्री राम। मोदी जी का प्रण था कि भाई मैं अयोध्या में राम मंदिर बनवाऊं, और हम लोगों का प्रण है कि हम संसद में अरुण गोविल जी को राम के रूप में देखें। अच्छा, आपको लगता है पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि बहुत सीधे प्रत्याशी हैं, नेता जैसे नहीं है? हमें सीधे प्रत्याशी चाहिए, हमें नेताओं की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, हमें सीधे तो चाहिए जो हमें बेच के ना खावे। राम आएंगे, राम आए हैं, आए हैं राम, आए हैं राम, हम उनको लाएंगे, यूपी हमको लाए हैं, हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे।